अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज उठ गया हूँ मैं सुबह ही सुबह, और तकरीबन टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बज रहे हैं, और आज मैं जाने लगा हूँ अलहमदिल्ला कराची इज्तिमा में, तो जो कि स्टार्ट हो चुका है 9th February से, और आज है इज्तिमे का आखिरी दिन। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, वो आता है तो फिर हम लोग आप लोग को वहाँ लेके चलते हैं। और वहाँ की क्या नूरानियत होती है और वहाँ का क्या अल्लाह की तरफ से नूर होता है, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ हम लोग क्यों जमा होते हैं और किस बारे में बात होती है। तो मेरा दोस्त आता है तो आप लोग को वहाँ लेके चलते हैं, वहाँ पर कितना लुत्फ आएगा आपको अल्लाह ताला के नूर से हुई, आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी और क्या वहाँ की खूबसूरती होगी। और सब भी इतनी आवाम होती है कि अगर हम जहाँ सबके हल्के बने हुए होते हैं, अगर हम वहाँ से मिस हो जाएँ तो वापस वहाँ आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा रश होता है। तो माशाल्लाह हम लोग हर साल जाते हैं और इस साल भी मैं अब जा रहा हूँ, वरना तो हम लोग शुरू के 3 days मतलब पूरे 3 दिन वहीं स्टे करते हैं, लेकिन मेरा भाई जा चुका था पहले ही, तो अब मैं जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग से वहाँ चल के मिलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ही दिल की जो क्या बोलते हैं कि सारे बंदा अपने गम भूल जाता है, और दुनिया मज़ा आता है ना अल्लाह को आप अपने करीब बहुत ज़्यादा करीब से महसूस करते हैं, और इतनी आवाम होती है, सारे साथ मिल के नमाज पढ़ते हैं, और बहुत सारी डिफरेंस चीज़ होती हैं जो कि काफ़ी सारे लोग मेरे इस व्लॉग में पहली दफ़ा देखेंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहें, और मेरी वीडियो पसंद आएगी आप लोग को तो प्लीज़ लाइक कर देना है, आपने शेयर करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो बस अब मैं हो चुका था सुबह उठ के ही रेडी, और फिर वहाँ चल के आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी सुबह के 8:30 का टाइम हो रहा है, तो इंशाल्लाह वहाँ चलेंगे और फिर आप लोग को वहाँ की सारी चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ करवाएंगे, और क्या नूरानियत होगी, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, आप लोग सब देख के आप लोग की तबीयत बहुत खुश हो जाएगी। तो इंशाल्लाह वहाँ मिलते हैं, और लास्ट की जो मेन खास दुआ होती है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, जो कि होगी संडे मॉर्निंग पे, और इज्तिमा ख़त्म हो जाएगा और हम वापस आ जाएंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहें, तो वहाँ चल के मिलते हैं। तो फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं इज्तिमा के अंदर, और ये है कुछ यहाँ के मनाज़िर, और अब हम जा रहे हैं अपने हलके की तरफ, और अभी हो रहा है तालीम का टाइम, और हम लोग सुबह के निकले थे और अब पहुँचे, तो आप चलते हैं आगे आगे। और मैंने अभी तक टोपी नहीं लगाई, मैं टोपी लगा था टोपी ये ज़िंदगी में पहली बार लगा रहा हूँ मैं, ईद बकरीद पे लगाते हैं बस। हाँ, और आज के दिन, आज के दिन, और यहाँ और ये तालीम, सब अपने अपने हल्के बना के बैठे हुए, और हम अभी आगे आगे चलते जा रहे हैं, और रास्ता भटक चुके हैं, क्योंकि माशाल्लाह इतनी ही आपको ये आवाम होती है कि इंसान को पता ही नहीं होता कि हम किधर बैठे। ये लोग 3 दिन से आए हुए और इनको रास्ता ही नहीं पता तो अब हम आगे आगे जाते जा रहे हैं और रास्ता ढूंढते हैं, फिर अपने हल्के में बैठते हैं, और फिर उसके बाद वज़ू करने आएंगे, तो आप लोग को हर चीज़ दिखाएंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि इतनी आवाम है, आप लोगों को सिर्फ सरी सर नज़र आएंगे, और कुछ भी नहीं माशाल्लाह, और जिधर जाओ रश ही रश रश ही रश। तो ये सब अल्लाह वालों की मंडी है ये, और यहाँ पे सब दीन का पैगाम फैलाने के लिए आए हुए, तो हम आगे आगे चलते रहते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाके थोड़ी देर रिलैक्स करूँगा, थोड़ी देर बैठूँगा, फिर आप लोग से मिलूँगा बाद में। खाना खा के
खाना खा के फिर भी भूल चुके हैं और यहाँ पे अब नमाज का टाइम शुरू हो रहा है। जब आए थे तो हम यहाँ पे तबलीग हो रही थी, फिर हम वहाँ बैठ गए थे थोड़ी देर, उसके बाद हमने खाना वाना खाया। अब नमाज के अंदर आधा घंटा है और हम वज़ू के लिए आए हैं, और वज़ू का सीन मैं आप लोग को कुछ दिखाता हूँ कि ये जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी जो है ना इस तरीके से यहाँ पर वज़ू किया जाता है। तो काफ़ी सारे लोग एक साथ एक के बाद एक पीछे लाइन लगा के खड़े होते हैं क्योंकि बहुत होता है यहाँ पे जब। तो अगर हम लोग जो है वो मैं वज़ू करूँगा और जैसे कि दिखाते चले यहाँ पे, तो सबसे बेस्ट सीन है वो वॉशरूम का है। तो वॉशरूम के लिए यहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है पहले, तो काफ़ी क्योंकि काफ़ी आवाम होती है और एक टेम्प्रेरी सा जो है वो वॉशरूम बनाया हुआ था, परेशानी खड़ा हुआ है लाइन के अंदर इसको वॉशरूम जाना है। और यहाँ पे बाकी लोग वज़ू कर रहे हैं, तो अभी हम भी वज़ू करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह। नमाज का मंज़र आप लोग को दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है और बहुत ही धूल मट्टी हो रही है, तो जिसकी वजह से मैंने मास्क भी लगा लिया है क्योंकि मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाता है नज़ला की वजह से, और आवाम इतनी है कि मोबाइल नहीं पकड़ा जा सकता। अरे पठान वालों का जलाने के लिए तेल नहीं। बाजार से पूछा गया कि कितना तेल है, कहा अगर तेल होता तो आप यहां क्यों गए? बीमार खराब होते हुए कावे के साथ तो वो क्या लगते हैं? ये पी रहे हैं अफवानी का हुआ। और पानी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है सब कुछ। ये पहली दफा है? पहली दफा है, पहले आया भाई। सारे मुखारे ये भी लेकर आ गए मांग के घोड़े ने चाय नहीं होगी चीनी कावा। यहाँ तो देख सकते हैं आप वज़ू के लिए कितना रश है, असर का टाइम हो रहा है और हम लोग सब वज़ू करने आए हुए और लाइन में लगे हुए यहाँ पे। दोपहर की नमाज़ के लिए आए हुए वज़ू के लिए और बहुत ज़्यादा रश है। दोपहर में तो बहुत गर्मी थी, कुछ बना ही नहीं सका, अपने जगह बैठ गए थे तालीम वालीम हुई। अभी चाय वाय पी के हम लोग यहाँ पे आए और जो आप लोग रश देख सकते हैं। यह भी असर की नमाज़ के लिए जो है वो टाइम हो गया है, असर नदे पढ़ रहे हैं सब, देख सकते हैं आप लोग। और दूर ही दूर तक रश होता है और नमाज में सजदे होते हैं तो ऐसा लगता है सर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा वही मंज़र होता है। अभी असर की नमाज़ पढ़ेंगे, आप लोग आगे बार बताते हैं क्या है। धूल मट्टी बहुत है जब मार्क्स के बगैर गुजारा नहीं हो रहा।
सर पढ़ के हम यहाँ पे वजू करने आए हुए, और शादी ने अपना वजू कर लिया और अब मैं वजू करूँगा। तो नमाज हमने पढ़ ली थी हाजाबाद, और अब हो रहा है बयान, और रश बढ़ते ही जा रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी है सन्नाटा, तो मैं जब भी वजू करने आ गया कि एक ही दफ़ा वजू करके मगरिब की नमाज़ तक इंशाल्लाह वजू रहेगा और फिर हम नमाज पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही रश है, तो मैं वजू करता हूँ। बान वजू नहीं हुआ तुम्हारा अभी तक? दोबारा कर रहा हूँ। दोबारा कर रहे हो? कितनी दफ़ा करोगे? बहुत सवाब कमाना है तुमने। वजू नहीं हुआ सुबह दोबारा? कितने अच्छे से करते हो तुम वजू? हो गया? तो भाई देख सकते हैं आप, और अभी हो रहा है असर के बाद का बयान। तो हम लोग अब जाके बयान में बैठेंगे और इंशाल्लाह फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, और मगरिब के बाद आपको यहाँ का कुछ मंदिर आपके सामने पेश करेंगे। माशाल्लाह बहुत 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 ज़्यादा रश है, और जिधर देखें लोग ही लोग, लोग ही लोग। बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हमने अच्छे से वजू वजू कर लिया ताकि दोबारा ना आना पड़े, क्योंकि नमाज के टाइम में यहाँ पे बहुत ही रश हो जाता है, और जब रश हो जाए तो फिर नमाज के लिए देरी हो जाती है जब हम वजू करके आते हैं। शानी कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। पब्लिक बहुत होती है ना हर साल। ये तो अभी हम एक कोने पे हैं, अगर जब हम आगे जाएंगे तो ये हम एक दरवाजे पे आए, और इनके 10 ब्लॉक है। तो हम जाने लगे अपने हल्के की तरफ, वहाँ जाते हैं बयान वगैरह सुनते हैं, और इंशाल्लाह ईशा की नमाज होगी वो दिखाएंगे। फिर खाना वाना का अहतमाम होता है, वो सब खा के फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को भी ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। आज ही मैंने कहा कि आप लोग से ये सब चीज़ें शेयर करें जो कि हमारी ज़िंदगी का मकसद है, और हम दुनिया में क्यों आए हैं, अल्लाह ने हमें क्यों भेजा, तो वो इसके बारे में हमें बहुत ही आगाही होती है। तो इंशाल्लाह आज आप लोग से आप लोगों को इसके बारे में मैंने बताया। तो अभी नमाज के बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। हाँ हो गया। हम आए हुए हैं कराची इज्तमा में, इस वक्त बंगी टाउन कराची के अंदर ही है, बनारस के करीब। हमारे साथ सुभान भाई है। और बिछड़ गए अभी हमसे। हम ईशा की नमाज़ पढ़ पढ़ के अब आए हैं आप लोग को यहाँ की कैंटीन दिखाने। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आवाम का हुजूम है। तो अब अफान भाई भी आए भाई, ये कैमरा शायद जो भी है, और ये हमारे कारी साहब है। ये हर साल हमारे साहब ने झूठ बोला, टोपी झूठे फतवे देने वाला कारी है। झूठे झूठे फतवे देने वाला कारी साहब। हाँ चलो चलो आए आए आए, अब आप लोग को लेके चलते हैं बेकरी की तरफ। फ्लैश के बगैर नहीं काम हो सकता भाई, फ्लैश के बगैर नहीं होगा काम। और ये देख सकते हैं ये हम आ गए बेकरी आइटम्स पे, यहाँ पे सारा बेकरी का आइटम मिल रहा है। लस्सी मिलेगी। तो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कितना रश है माशाल्लाह, और कल हो जाएगी दुआ, और ये दुआ से पहले का रश है, और हो रही है हल्की हल्की ठंड। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही घूमने आए हुए यहाँ को। चलो 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 बाहर चलते हैं, बस यही तक।
तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही रश है और ये मेरे जो दोस्त हैं बोल रहे कि बाहर चलो चलो आज बाहर चलते हैं। अमीर साहब रुमाल लेके आ रहा हूँ मैं, चिल्ले में जा रहा हूँ। अमीर साहब को तो दिखाओ हमारे की अमीर ये हमारे अमीर है। अमीर साहब को 6-7 दफा दिखा दिया, अमीर साहब खाना खिला, हमें खाना खिलाएंगे बाहर और ये थोड़ी देर में गरीब होंगे। अमीर साहब इतने अजीब से ये रात को भी लोग वजू करने आए हुए माशाल्लाह और इतनी आवाम है कि बस। चले अब बाहर चलते हैं और बाहर चल के आप लोग से मिलते हैं। तो नाज़रीन जैसे कि आप देख सकते हैं आज इज्तिमा का आखिरी दिन है और लोग भरपूर तादाद में आए चले जा रहे हैं और हम लोग अब जा रहे हैं बाहर की तरफ थोड़ा कुछ इंजॉय करने, कुछ देखने, मार्केट से कोई चीज़ें लेने। तो चले आप लोग को यहाँ की मार्केट भी विज़िट करवाते और अभी हम इशा की नमाज़ वगैरह से फ्री हो के तकरीबन 11 बजे का टाइम हो रहा है और आज लास्ट डे। ओए ओए आवाम देखे माशाल्लाह, अंदर इतनी आवाम है और ये बाहर की आवाम मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो इतना क्राउड है कि हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अभी चलते हैं थोड़ा मार्केट की तरफ और आप लोग को फिर वहीं चल के मिलते हैं। किन बातों में हंस रहे हो तुम? तो नाज़रीन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं और ये हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। आगे आगे हमसे दूर हैं वो। हाँ किन्नू मिल रहा है 10 का 3। यहाँ पे देख सकते हैं आपको, ये देखें ये क्या है, हलवा है भाई, पिशावरी हलवा। पिशावरी हलवा और यहाँ पे बोटियाँ भी मिल रही है भाई। बारबेक्यू का भी इंतजाम किया है यहाँ पब्लिक के लिए। केक, ये केक ताज़े केक है, ताज़े केक और यहाँ पे हलवे, हर तरीके की चीज़ें जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ओए ओए अबे यहाँ क्या बाजार, यहाँ अंदर नहीं जा सकते यहाँ। ये थोड़ी आगे अगला है भाई, ये भी कुछ है तो कुछ नहीं, अंदर नहीं जानी भाई। ये हम 12 नंबर गेट के बाहर से जा रहे हैं आगे की तरफ और माशाल्लाह कितना रश है, आवाम आई चले जा रही है और जब सुबह दुआ होगी तो कितना रश होगा माशाल्लाह। सानिया टिक्का लेने आई है यहाँ पे। ये खाना है तुमने अभी? मैंने आज स्पाइसी खाने में खाना है, बड़ी जोर से लगी हुई, यही खाना है अभी। चलो भाई ले लो मावा, दो ठीक है बना दो यार अच्छी करके। तुम किसी ने दो बोला था भाई, कोई भाई मेरी गलती नहीं है, इसने दो बोला था। एक मैंने खाना है, एक ड्यू बोतल भी है तुम्हारी तरफ से, वो आपकी तरफ से चावल के साथ खाता है। खाली चावल नहीं, रोटी ले लेते यार, रोटी ले लेते। और ये बंदे जो स्नैपचैट पे लगे हुए दिखाए अपना मोबाइल बेटा, क्या करना है आपके? ये नेट की वजह से आया सिर्फ हमारे साथ। ये देख सकते हैं हम मसालेदार टिक्के, नाज़रीन देख सकते हैं ये हमारे टिक्के आ गए और ये रोटी। और अब हम लोग खाते और फिर आप लोग, बहुत मज़ा आ रही है तो अब ये खाते और फिर आप लोग से मिलते हैं, क्योंकि लग रही है भूख, हम खाना खा चुके लेकिन फिर भी भूख लग रही है, तो इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिखाते हैं हलवे की सबसे बड़ी मार्केट, जो कि आवाम को सही में चूना लगा रहे। तो ये हलवा लेने जा रहे हो? हलवा लेने जा रहे हो भाई? चम्मो लेने जा रहे हैं यार। कौन स्क्रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कितना रश है। तो नाज़रीन थक हार गया, अब हम जा रहे हैं दोबारा अपने हलके की तरफ
सिर्फ हमने खरीदे अखरोट खरीदे और अखरोट हमारे साथ थे। हम जा रहे हैं अपने हल्के की तरफ, बहुत दर्द हो रहा है भी, हमने बोला चलो हल्के में चलते हैं, में दर्द नहीं हो रहा क्योंकि अकल इनकी घुटनों में है, जब इनकी अकल दर्द कर रही है। मस्कर पिंडाल आ गया। अच्छा उसने इरादा करा तो अब हम जा रहे सोने, डेढ़ बज चुके हैं। नहीं है अब हम जा रहे सोने, तो अब आप मिल, अब आप लोगों से मिलेंगे फजर पे सुबह, और लाइन दिखाएंगे वॉशरूम के आगे के, देखिए तो गाइस अब सुबह मिलते हैं आप लोगों से, और फिर जब तक के लिए अल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो हमने फजर की नमाज़ पढ़ ली थी और हो चुकी है सुबह, और आवाम आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा माशाल्लाह आवाम हो चुकी है। तो अभी दुआ में थोड़ी सी देर है, और हम वजू वगैरह करने आए थे, तो रश है कि बढ़ते ही चला जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं वजू खाने के कितने करीब लोग होने अपना बिस्तर वगैरह बिछाए हुए हैं, यहाँ पे इंतज़ाम इस तरीके से किया है, रश का क्या आलम है। सुभान अल्लाह। तो अभी हम जाके नाश्ता वगैरह करेंगे, और उसके बाद जो है वो दुआ होगी, तो इंशाल्लाह दुआ मैं इस व्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, इंशाल्लाह दुआ का अलग से एक व्लॉग बनाऊँगा मैं, जिसमें सिर्फ दुआ ही होगी। और अभी बयान हो रहा है वहाँ पे, तो चलते हैं बयान में बैठेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह दुआ के लिए अलग से वीडियो बनेगी। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो बस अभी आगे चलते माशाल्लाह, क्या रश, इतनी आवाम आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही देखी होगी। यहाँ पर माशाल्लाह बयान हो रहा है, अभी बयान सुन रहे सारे। हजारों के करीब जमा हो जाते हैं, लाखों के करीब अब इस मैदान